नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वाल टीवी पर जुड़े हैं आप और इस वक्त मैं हूँ परेड ग्राउंड में। परेड ग्राउंड से हर रोज जो है हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर रैलियाँ अक्सर होती रहती हैं बेरोजगारों की, और आज एक और रैली हुई है। क्या कुछ मांगे इनकी है आप पीछे पोस्टर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मानसिक शोषण बंद किया जाए, कोर्ट से बढ़ती को बहाल किया जाए, और 9 महीने का लंबा इंतजार जो है इन्होंने किया है। क्या कुछ इंतजार इनका रहा है चलिए जानते हैं। आज आपका ये जो है आप रैली कर रहे हैं किस चीज को लेके कर रहे हैं? मैम, हमारा मामला लगभग ये 10 महीने हो गए, एक साल पूरा होने वाला रिजल्ट के बाद, तब से हमारा मामला कोर्ट में ही लटका हुआ है। हर मंथ हर सुनवाई पे होता है, आज नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो मामला है वो 8 महीने 10 महीने से ऐसे लटका हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो हमारी सरकार है वो हमारे महाधिवक्ता को भेज नहीं रही है। ऐसा ऐसा करके हमारे पूरे एक साल होने वाला, दूसरा साल स्टार्ट होने वाला है। हम पता नहीं हमने कितनी बार रैली कर ली, धरना कर ली, सब कुछ कर लिया। मैं स्पेशल रुद्रप्रयाग से आई हूँ, इस बारिश में वहाँ कितने पत्थर गिरते हैं, कितने सारे आजकल गाने गिरते हैं, फिर भी वहाँ से हम सिर्फ रैली करने की हमारी मांग सुनी जाए। हमने अपना टेस्ट क्लियर किया, हमने अपने अच्छे नंबर से पास हुए, बट सरकार इतनी सोई हुई सरकार हमारी कि हमें तब से सिर्फ कोर्ट का बहाने, कोर्ट में कहे, कोर्ट में, कोर्ट में नियुक्ति नहीं है, कुछ नियुक्ति नहीं है। इस वजह से आज हम यहाँ सड़क पर लटके हुए हैं। तो अभी क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सरकार महाधिवक्ता भेजे कोर्ट में और हमें वहाँ से हमारे बाहर निकाले, हमें नियुक्ति दे दे। हमारा यही मांग है, हमारे कुछ मांग नहीं है सरकार से, बस यही, हमें वहाँ से बाहर निकाल के, कोर्ट से बाहर निकाल के हमें नियुक्ति दे दे, बस यही हमारी इच्छा है। बस मैम, कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे, कोई एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं अभी? मैम, मैं खुद में अपनी बात करूं तो मैं उत्तराखंड सरकार की 2015 से तैयारी कर रही हूं, ठीक है। हमारा जो एलडी का फॉर्म आया था 2020 में आई थी विज्ञप्ति, उसके बाद पेपर हुआ था 2021 में, 2021 के बाद पेपर हुआ, रिजल्ट आया, रिजल्ट के लिए हम लोगों ने धरना किया, रैली की हमने, उसके बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट के 2 महीने बाद ही क्वेश्चन के गलत होने के कारण वो कोर्ट में चला गया। हमारी कोई गलती नहीं है, वो सरकार को करना है, बट हमारी यही गलती, हमने पेपर निकाले, अच्छे नंबर लगे, हम पास हुए हैं, बट आज ये हाल है कि हमें हर दिन सड़कों पर उतरना पड़ता है। हमारे समय कोई कीमत नहीं है, वो लोग वहाँ बैठे हुए, हम लोग सड़कों पे हैं, इतनी धूप में कितने मेरे साथ के लोग हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से हमारी यही पुकार है, हमारे कोर्ट में महाधिवक्ता मुख्यमंत्री की वकील को भेजे और हमारा जो केस है उसको वापस ले आए और हमें नियुक्ति दे दे, बस हमारी यही पुकार है, हम कुछ भी नहीं मांगे। यहाँ पर जितने ये छात्र हैं, क्या ये सभी जो है चयनित छात्र हैं? सारे चयनित, जितने भी खड़े हुए पीछे तक, सारे चयनित, तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास होके आए हैं। ऐसा नहीं कि हमें कुछ, जब इनका पता था कि ऐसे होना था तो मना कर देते, विज्ञप्ति नहीं देते, हमें तो सड़कों पे क्यों आते। कहीं ना कहीं पेपर लीक होने का नुकसान आपको झेलना पड़ा? पेपर लीक नहीं मैम, पेपर क्वेश्चन पेपर, दो क्वेश्चन ऐसे तो गलत थे, सरकार को वो सही करना था, गलती उनकी हमारी नहीं है। दो क्वेश्चन अगर गलत है तो आपको उसको सही करना है, हमें नहीं। हमें इतने 8-9-10 महीने सामने लटका कर रखा, पता नहीं क्यों हमें समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए, ये जो रैली है मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, ये जो विशाल रैली है जो है आज हल्ला बोल कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विशाल रैली है। थोड़ा पीछे मैं कहूंगी अपने कैमरामैन को दिखाएं, यहाँ पर जो इनके बोर्ड हैं इसको दिखाएंगे कि हम सब हो गए हैं लाचार, कोर्ट से भर्ती बहाल करें, उत्तराखंड की युवा सरकार, फिर क्यों हुए लाचार युवा जो सड़कों पर घूम रहे हैं। आज आप रैली कर रहे हैं, सचिवालय कुछ आज आप कर रहे हैं? जी मैडम, आज जो है आप चलते रहिए, ये आपकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या ये मामला है थोड़ा सा बताइए। के जो विज्ञापन 2020 में आया था तो उसमें कुछ विवादित प्रश्न थे, एक दो प्रश्न थे, उसमें हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है हमारे डीवी पे। हम ये सरकार से यही चाहते हैं कि 9 माह हो गए हमारे रिजल्ट आए हुए, सरकार से यही मांग है कि हमारे जल्द से जल्द कोर्ट का दिन निकाल के हमारे डीवी कराया जाए। थैंक यू मैडम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने जो है नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर जो युवा हैं वो मांग कर रहे हैं, तो बहुत सारे युवा हैं, काफी संख्या में आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर जुड़े हैं। आज आप ये रैली कर रहे हैं, सचिवालय कुछ कर रहे हैं, क्या कहें? हमारी भर्ती कोर्ट में है 9 महीने से, हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि महाधिवक्ता के माध्यम से इस भर्ती को बहाल करें, क्योंकि ये प्रश्नों का मामला है, बहुत बड़ा मामला नहीं है, तो हमारी यही दरख्वास्त। क्या सवाल रहे जो जिसकी वजह से आपकी ये भर्ती लटक गई? मैम, सामान्य से प्रश्न है, ऐसे कोई बहुत बड़े प्रश्न नहीं है। कुछ बच्चे जो बाहर हो जाते हैं वो लोग कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन उनकी सुनी जा रही है, हम लोग चयनित है, हमारा रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हमारी कोई सुध नहीं ली जा रही है। कहीं ना कहीं चयनित होने के बाद भी आपको जो है इंतजार करना? बिल्कुल, चयनित होकर हम बेरोजगार बैठे हैं, और आज से नहीं 9 महीने हो चुके हैं, पूरा साल होने वाला है।
ये रैली आज आप पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले भी सचिवालय का दरवाजा खटखटा चुके? हमारी तीसरी या चौथी रैली है और अभी तक सरकार को कोई सुध नहीं ले रही हमारी, और अब हमारे इसके बाद हम ये निर्णय लेंगे कि हम भूख हड़ताल बैठ जाएंगे। अगली 24 तारीख हमारी हेयरिंग है, अगर उस दिन भी हमारा केस सॉल्व नहीं होता है तो हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विशाल रैली है और इनका कहना यह है कि अगर इनकी नहीं सुनी जाती है तो ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस पोस्टर पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड सरकार का ये नारा है कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना है, पलायन को रोकना है, शिक्षित सबको करना है। तो यहाँ पर इतने सारे युवा आप देख सकते हैं सचिवालय की तरफ जो है ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप सचिवालय कूच कर रहे हैं क्या? मैम हमारा कहना ये है कि हमारी है कि सरकार जल्द जल्द कोर्ट में पैरवी करे, जो महाधिवक्ता को भेजे वहाँ और जो हमारे मामला इसको निपटारा करे, क्योंकि बहुत समय हो गया, कम से कम 9-10 माह का समय हो गया है और इतना समय हम लोग कब तक वेट करें, कब तक हम यहाँ पर संघर्ष करते रहे, कब तक सड़कों पर हम रहे थे। इस समय हमें अपने विद्यालय में होना चाहिए था, विद्यालय में हम छात्रों का हित चाहते, कम से कम समाज का भला करते, बच्चों को जो हमारे कल के भविष्य का निर्माण करते, लेकिन आज हम यहाँ पर सड़कों पर भटक रहे, ये भटकना हुआ और हम चयनित हो, ऐसा कारण क्या है कि जिससे हमारा मामला नहीं हो पा रहा है? नहीं, हमारी वजह से अटका था, सिर्फ कुछ सवाल थे जिसकी वजह से जो है आपकी ये भर्ती अटकी पड़ी है। देखो मैम वो क्वेश्चन देखो, जो विपक्ष जो होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता कोर्ट जाते हैं, ये स्वाभाविक है कोर्ट जाती है, ऐसा कोई मामला है नहीं, केवल दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन के पैर भी कम थे। क्या वो दो क्वेश्चन थे जिसकी वजह से ये भर्ती लटक गई, क्या उन सवालों के बारे में आपको पता है? हाँ देखो मैम, एक वहाँ पर एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन है कि किसी के था राइटर, उसके अनुसार कि इसका ये है, वहाँ पर उसका जो आंसर आयोग ने दिया है आयोग का आंसर बिल्कुल सही है, ऐसा ही क्वेश्चन एक हमारे हिंदी का था, हिंदी का क्वेश्चन भी बिल्कुल आयोग का अनुसार ही सही है, लेकिन तब भी जो जिनका सिलेक्शन जो आधे नंबर से एक नंबर से जो लोग रह गए हैं वो तब भी कोर्ट चले गए हैं। तो ये देखो मैम इसमें हमारे ये कि कुछ लोगों की वजह से इतने सारे बच्चों का नुकसान हुआ, इतने सारे बच्चे सड़कों पर आ गए। पहला कारण देखो मैम इसमें कि जो बच्चे यहाँ से मतलब कोर्ट में गए हैं, दूसरा क्या कि जो हमारी सरकार है उसका जो ये रवैया बिल्कुल ढीला ढीला रवैया, इस कारण से ही हमारी भर्ती को अभी इतने लेट हो गया। हमारी शासन प्रशासन से आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखो हमारे शासन से यही मांगे और हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे, देखो कोई ना, हम शिक्षक हैं, हमें अपने संयम में रहना और साहब की है कि हमें समाज की उन्नति करनी, इसलिए हमारा उनको हाथ जोड़ के निवेदन है कि तुरंत ही हमारे कोर्ट में महाधिवक्ता भेजे और वहां से हमारे जो हमारे प्रकरण है उसको वहां से बहाल करे और सीख हमें नियुक्ति दे, हम यही सरकार से हमारी मांग है, और जिससे कि हमारे जो कल का भविष्य है उनका उद्धार हो पाए। और जो पूरे विद्यालय पहाड़ों में देखिए मैम, पूरे के पूरे विद्यालय खाली हैं, जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं उनके वहीं से हूँ मैं भी, पौड़ी से हूँ, वहाँ के जो उनका जो ब्लॉक है वहीं कम से कम 50% विद्यालयों में हिंदी का टीचर नहीं है, और पिछली बार विगत माह जो अभी रिजल्ट आए उत्तराखंड बोर्ड का उसमें 15,000-16,000 कम से कम हिंदी के छात्र फेल हुए। अच्छा, शिक्षकों के बारे में एक बात भी सुनने में आती है कि पहाड़ की ही छुई लाड़ लेकिन पहाड़ निजान, मतलब शिक्षकों की जब बात उनकी तैनाती जो है पहाड़ों में की जाती है तो वो जाना नहीं चाहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई? मैम ऐसा कुछ नहीं है, सबके सब अभी भी देखिए आप जो दुर्गम विद्यालय जहाँ कभी 3-3 किलोमीटर तक रोड नहीं है वहाँ पैदल जाना पड़ता है, वहाँ बुजुर्ग बुजुर्ग व्यक्ति जो कि अभी कई लोग तो ऐसे बीमार से ग्रसित हैं, उन लोग वहाँ पे नियुक्त वहाँ पे अभी सेवाएं दे रहे हैं, और जितने भी यहाँ पे हम लोग हैं हम तो कहीं भी भेज दो हमें, तो आप कितने भी जो काला पानी बोलते हैं ना वहाँ हमें तुम भेजो सेवा करने के लिए, हम तत्पर हैं और हम बिल्कुल अपने मन से लगन से वहाँ पे सेवा देने को तत्पर हैं, हमें तुम नियुक्ति दो बस, हमारी वही मांग है अंत में भी कि हमें नियुक्ति दो बस। तो अगर आपको नियुक्ति दे भी जाती है और पहाड़ों के कहीं दूरस्थ गांव में दी जाती है तो क्या आप वहां जाएंगे? देखिए मैम हम पहले पहाड़ से ही है, हम भी दूरस्थ मतलब दुर्गम क्षेत्र से ही आते हैं, और जो हमारा क्षेत्र है सभी लगभग पौड़ी क्या है, जहाँ मैं पौड़ी से बात कर रहा हूँ वहाँ दुर्गम ही है, केवल पौड़ी सिटी उसको छोड़ करके बाकी सब दुर्गम ही है, तो हम वहाँ भी अभी भी जीवन यापन कर रहे हैं, उसके बाद सेवा में भी जीवन यापन हम तब भी करेंगे, हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नियुक्ति की प्रॉब्लम की, हमें नियुक्ति दो जल्दी शीघ्र।
यही हमारी सरकार से मांग। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है सभी लोग जो इतनी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं, नियुक्ति वो चाहते हैं और उम्मीद सरकार से कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति उन्हें दी जाए। जो दो सवाल की वजह से ये इतने बच्चे सड़कों पर आज आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सचिवालय कूच कर रहे हैं, उनकी बातों को सुना जाए। तो अभी 24 तारीख का इंतजार इनको है कि कोर्ट क्या फैसला लेती है, क्या इनके पक्ष में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो इनका कहना है कि हम जो है भूख हड़ताल भी करेंगे और अपनी बात मनवा कर रहेंगे। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ किसके पक्ष में फैसला आता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए जेपी वाल टीवी पर। मैं रोशनी खंडूरी।